जी मैम आ रही है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमने जो, क्योंकि देखो लिवर डिसऑर्डर जो है ना, एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, और ये मतलब अगर हम उसको डिस्कस करना चाहें तो उसमें 6 घंटे भी शायद ना काफी हो। तो इसमें हमने डिस्कस करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इसको देखना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें डिस्कस करने वाली, वो वायरल हेपेटाइटिस, हेल्प सिंड्रोम, पॉलीस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ये हैं जो के जिसमें के हम कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जिसको हम कवर कर सकते हैं। तो अब हम किस केस सिनेरियो से पहले डिस्कस करें जी? अरूज, सना अरूज, पॉलीस्टेसिस से करें? चलें ठीक है, आप कोई सिनेरियो बताएं हमें। जनरलाइज्ड क्या है? सॉरी आपकी आवाज बेटा टूट के आ रही है, आपकी आवाज उस तरह से स्मूथ नहीं है। जनरलाइज्ड बॉडी इचिंग, ओके ठीक है। तो ये आपका मेन सिनेरियो है, इसमें आपने कुछ और ऐड करना है या इसी को डिस्कस करना है एज इट इज ही? इसी को ही डिस्कशन, मतलब एक्चुअली मुझे पता नहीं था तो मैंने ना अभी सडनली बनाया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलें फिर इसको हम शुरू करें। कैसे आप इसको प्रोसीड करोगे? ये सिनेरियो आपका है और आप इसको मेनली अब कैसे शुरू करोगे? As this patient came to me, first of all, I will introduce myself and will take the patient introduction, and then I will आप इसमें, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इज इट अ स्ट्रक्चर्ड, शुड इट बी अ स्ट्रक्चर्ड वाइवा या काउंसलिंग स्टेशन है या क्या है? क्योंकि बाज दफा इसमें दो तीन चीजें होती है ना, कि आपके सामने एक पेशेंट या रोल प्लेयर बैठा होता है, आपने उसके उससे हिस्ट्री लेनी होती है या बाकी इंफॉर्मेशन पूछनी होती है, या फिर आपका डायरेक्ट एनकाउंटर होता है एग्जामिनर के साथ ही, जो आपको इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड ये बता रहा होता है। तो आप इसको किस तरह से करना चाहते हो? मैडम, इसको स्ट्रक्चर डिस्कशन में करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि ये थोड़ी ओके चलें ठीक है, शुरू करें। ओके मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एंड विल टेक द पेशेंट इंट्रोडक्शन एंड आई विल कंफर्म द फाइंडिंग इफ इट टू मी इन द सिनेरियो। आफ्टर दैट आई विल आस्क द पेशेंट, एज माय पेशेंट इज प्राइमरी ग्रेविडा, सो आई विल आस्क रिगार्डिंग हर फॉर हाउ लॉन्ग शी इज मैरिड एंड हर लास्ट मेंस्ट्रुअल and then I will ask her current complaint. As she is having complaint of the body itching, I will ask the areas where she is having itching and whether it is associated with any blisters or any lesions over the skin or not. But then I will ask the patient whether it is associated with any vomiting or any other complaint. And then I will ask that whether my patient is having any बेटा, आपकी आवाज बीच में पता नहीं डिम क्यों हो जाती है, आपकी आवाज जो है बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा अगर माइक अप अपना सही कर लें या नेट को देख लें, कुछ उसका इश्यू तो नहीं है? मे बी ये हैंड फ्री का इशू, अगर हैंड फ्री लगाइए तो वो चेंज कर लें या उसको उतार दें। अच्छा जी सना मैडम, अब सही आ रही है आवाज? हाँ अब सही है, अब सही है। ओके देन मैडम, आई विल आस्क रिगार्डिंग एनी हिस्ट्री ऑफ द हाइपरटेंशन इन हर और एनी हिस्ट्री ऑफ हेडेक, ब्लरिंग ऑफ वीएन और द एपिगैस्ट्रिक पेन इन माय पेशेंट, एंड देन आई विल आल्सो आस्क एनी हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट विद एनी पेशेंट एंड हु इज हैविंग एनी स्किन एलर्जी, एंड विल आल्सो आस्क रिगार्डिंग एनी हिस्ट्री ऑफ प्रीवियसली शी इज हैविंग एनी एक्जिमा और एनी स्किन डिजीज और नॉट। I will also ask my patient and regarding her current pregnancy, that whether she had her regular antenatal visits up till now, she had her investigations in the first trimester. I will take the history according to the trimester wise. In the first trimester, whether she had any history of the folic acid supplementation, any history of vomiting, nausea, vomiting, or any abnormal vaginal discharge or rashes over the body,
and whether she had her dating scan or not, and fetal movements, when she perceived her fetal movements, and her anomaly scan has been done, and she had the regular growth scans are not up till now. Then I will also ask whether she had she is also perceiving her fetal movements well at present, and any history of the abnormal vaginal discharge or bleeding currently she is having or not. Then I will also ask whether she had any family history any family history of the similar complaint in her family or not. But beside it, I will also take her gynecological history, whether she has having regular menstrual cycle, any intramenstrual postcoital bleeding, any contraception she had or not. Then her surgical history, will take her drug allergy, history of the drug allergy or any allergy she is having, and will also ask regarding the addiction, regarding the smoking or any other addiction, her sleep, bowel and bladder habits. After that, after completing my history, I will go for the general physical examination of the patient, including her blood pressure, specifically including her blood pressure, her pallor and the edema, and will also look over the body for any rashes or any lesions present or not. Then I will do the abdominal examination of the patient, for the confirmation of the symphysiofundal height and lie presentation, and for the fetal heart rate. After that, I will go for the investigations of the patient. I will go for her baseline investigation, including the blood group and RH factor, complete blood count with date, including hemoglobin, platelets, and total leukocyte counts, and the viral markers, serology, hepatitis B surface antigen, anti-hepatitis C virus, and anti-HIV, and will go for her red and blood sugar levels, and I will also ask my patient whether she had any oral glucose tolerance test previously at 24 to 28 weeks or not. Then I will also go for her urine complete examination for microscopy and biochemistry. After that, I will go for the specific investigations of the patient, and including her liver function tests, including the serum bilirubin, ALT, AST, and GTT, and will also go for her serum bile acids. I will, if needed, I will go for I will also go for the ultrasonography of the patient, and I will ask regarding her dating scan. Dating scan for the confirmation of the exact gestational age, and will also go for the anomaly scans for to see any structural abnormalities, and will also need her growth scans if present, go for the recent ultrasonography for the biometry of the fetus, her live presentation, Likert assessment, placental localization, and the viability of the fetus. Then I will also ask for her abdominal ultrasonography for to see the status of the liver. Madam, beside it, her clotting studies will also be needed, her PTA, PTT, INR. मैं अब इस पे थोड़ा सा अगर कमेंट करना चाहूँ, बल्कि रादर आई विल आस्क फ्रॉम द अदर ऑडियंस के क्या आपके ख्याल में हिस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई गई, क्या बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में एक्स्ट्रा चीजें थी? जी, जो बाकी सुन रहे हैं वो इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? मेरे ख्याल में जो पेशेंट के अपने साइन एंड सिम्टम थे ना ऑब्जेक्टिव कोलेस्टेसिस से रिलेटेड, उनको डीडी करना था फ्रॉम बाकी जो रैशेस इन द प्रेगनेंसी है, जो बाकी चीजें थी जिस तरह से कि ट्राइमेस्टर में नोजिया, वॉमिटिंग और ये, इनका मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई इतना असल में थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में मेरी ये अपनी परसेप्शन है कि ये इट वॉज टू लेंथी, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि जो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि आपका सवाल ही ये होता है 10 मिनट के क्वेश्चन में आपने जो टाइम बाउंड एक चीज होती है वो उसके हिसाब से इट इज टू लेंथी, और इसमें अगर आपके जेहन में क्या डायग्नोसिस बन रहा है, इट कैन बी जस्ट जेस्टेशनल, इट कैन बी जस्ट या इसमें कोलिस्टेसिस है या कुछ और, वो तो जाहिर है आप एग्जामिनेशन पे भी देखोगे और पेशेंट की हिस्ट्री पे भी आपने पूछ लिया, लेकिन बाकी जो डिटेल है अब जैसे विजाइनल डिस्चार्ज और ये सारी चीजें, उस तरह की और बहुत सारी चीजें थी जो कि अनरिलेटेड हैं, इररेलीवेंट हैं, इररेलीवेंट विद द पर्टिकुलर हिस्ट्री, और इसमें ये नहीं होता कि आपने एक आम लॉन्ग केस की तरह से हर हर चीज पूछनी है,
इसमें अगर आप ये भी कह दोगे कि जो आपकी हिस्ट्री है फर्स्ट ट्रेमेस्टर वाइज आप हिस्ट्री लेंगे टू नो एनी एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं, तो नॉर्मल सिम्टम्स तो हर प्रेगनेंसी में ही होते हैं, उसमें एबनॉर्मल सिम्टम्स पे आपने फोकस करना होगा। और इसमें जो इचिंग है वो मोमन जेस्टेशनल में हो सकती है या कोलिस्टेसिस में हो सकती है या किसी स्किन एलर्जी में हो सकती है या किसी ड्रग एलर्जी में हो सकती है, बस आप अपने आप को वहां तक फोकस रखें, क्योंकि बाकी जो लिवर डिसऑर्डर्स हैं उनमें अमूमन इचिंग का इश्यू इतना मार्क्ड नहीं होता। तो ये वाली चीजें जो हैं ये आपने उसमें हिस्ट्री में पूछनी है। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है उसमें आपने शुरू में ही, अब ये आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होंगी ये उसके बाद होंगी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद, और डेफिनेटली बाय दैट टाइम यू नो के उसमें रीजन क्या है, उसके हिसाब से फिर आप उसके LFTs या GGT इज पार्ट ऑफ LFTs और बाइल एसिड उससे अलहदा होता है, तो वो आपने करवाना है। और बाइल एसिड तो डेफिनेटली आप जरूर करवाओगे क्योंकि इचिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन जहां तक लिवर स्कैन है या बाकी जो कोएगुलेशन डिसऑर्डर है वो उसमें नहीं, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आएंगे। एज फॉर एज इचिंग इज रिलेटेड, उसमें कुछ खास कंडीशन होती हैं जिनमें फिर आप ये सारी ये सब चीजें लेके जाते हैं। OGTT ठीक है, वो वन ऑफ द बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसलिए उस पर वो तो करवाना बनता है या पूछना भी बनता है, लेकिन बाकी जो कुछ चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन में वो बेसलाइन में नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलें अब इससे आगे फिर हम चलते हैं। अच्छा मैडम, आई हैव वन क्वेश्चन मैडम, शुड वी व्हेन वी सेड दैट बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस, क्या हमें उसके बाद पूरी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस भी बतानी चाहिए? बेसलाइन में पांच चीजें आती हैं, क्या हैं बेसलाइन में जो पांच चीजें हैं? मैडम, ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर, कंप्लीट ब्लड काउंट इंक्लूडिंग द हीमोग्लोबिन प्लेटलेट एंड टोटल लीकोसाइट काउंट, वायरल मार्कर, सीरोलॉजी, हेपेटाइटिस बी सरफेस, एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस, एंटी एचआईवी एंटीबॉडीज, रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स एंड यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन फॉर माइक्रोस्कोपी एंड बायोकेमिस्ट्री। बस के यहां पे फुल स्टॉप हो जाता है, बेसलाइन यही पांच है जो आपने यूनैनिमसली हर एक में करवानी है, चाहे वो ऑप्स का पेशेंट है, जेनुइनली का पेशेंट है। ठीक हो गया मैडम। इसके बाद जो स्पेसिफिक है एस इचिंग का प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो उसमें फिर आप उसके बाइल एसिड्स करवाओगे, LFTs करवाओगे, GGT को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो LFTs में हमेशा चेक होते हैं, लेकिन बाकी चीजें आपने नहीं बोलने। ठीक है, आप इस तरह से एक एक दफा अगर आप इसको कह दें कि बेस लाइन में इंक्लूडिंग ये दैट इज ओके, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, मे बी उसमें 15 सेकंड लग जाए बस, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो आपने नहीं बोलने। ठीक है, जब तक आपको एग्जामिनर ना बता दे या आपको पेशेंट तो अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं बताएगा, बताएगा तो एग्जामिनर ही के उसके ये टेस्टों की रिपोर्टें ये हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप पे उसकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे बेस करते हुए बाकी इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करोगे। ठीक है, ठीक है मैडम, हाँ जी ठीक हो गया, चले आगे मैडम। इसके बाद ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो गई। मैडम नेक्स्ट कम्स द मैनेजमेंट, बट क्या आपको इन्वेस्टिगेशन अब जरूरत है पूछने की या नहीं? जी मैडम, आई विल नीड द इन्वेस्टिगेशंस। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन में अगर मैं आपको ये कहूँ कि चले बाकी तो हम सारी इसको नॉर्मल कर लेते हैं ताकि डिस्कशन हमारी लिमिटेड रहे, लेकिन LFTs में ALT AST आर 40-40 ईच। ठीक है, ओके मैडम। और GGT इज नॉर्मल, बाइल एसिड्स आर 15 माइक्रोमोल पर लीटर। ठीक है, ये अभी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन। ओके, हाँ जी ठीक हो गया। ओके मैडम, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल काउंसिल द कपल रिगार्डिंग द डायग्नोसिस दैट शी इज हैविंग द गेस्टेशनल प्रूराइटिस एंड जी मैडम 19 से नीचे मैडम गेस्टेशनल प्रूराइटिस लेबल करते हैं ना। अच्छा, and then I will also discuss with them the regarding the fetal maternal risks associated with and the risk of the risk of conversion of into in risk of increase of the bile acids that will lead to the obstetrical cholestasis and it is associated with the fetal maternal risk, so it is a high risk pregnancy. I will discuss with them I will discuss with them that this case can be managed on the outpatient department basis. And I will
I will give them the anti allergics and will also इसमें सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि क्या हम पेशेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बाकी डायग्नोसिस एक्सक्लूड करके ये बताएंगे कि ये आपका जेस्टेशनल ईयर नो नीड टू वरी, क्या हम ये उसको कहेंगे? मैडम उसको मैडम डेफिनेटली व्हेन द लेवल्स आर बिलो 19 माइक्रोग्राम पर लीटर देन इट इज जेस्टेशनल प्रोराइटिस बट वी विल डिस्कस विद देम दैट शी विल नीड टू रिपीट हर एलएफटीज ऑन रिपीट हर बाइल एसिड्स लेवल्स ऑन 1-2 वीकली बेसिस अलोंग विद हर एलएफटीज एज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ऑब्स्टेटिकल कोलेस्टेसिस as a, and it is a very high आप इसमें देखो इसमें एक बात ये है कि आपने एक एब्सोल्यूट डायग्नोसिस उसको बता दिया, उसका ये मतलब है कि बस अब और कोई मसला नहीं है. आप इसको इस तरह से करने के बजाय आप इसको मोस्ट प्रोबेबली वाली चीज आप उसको लेबल करोगे. Okay, at this time no other cause has been found, so probably it is related with the pregnancy itself, but it will need फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग कितने कितने इंटरवल पे ये सारा कुछ उसको बता के. और मॉनिटरिंग में ये कि बाद दफा डिजीज की अपेयरेंस या डायग्नोसिस जो है वो थोड़ा सा लेट भी होता है और ये थोड़ा सा इसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज होती है, ओनली देन वी कैन कमेंट सर्टनली ऑन द डायग्नोसिस. ठीक है, अगर रिपीटेड मॉनिटरिंग पे भी जो है वो लेवल्स स्टेटिक आते हैं या मजीद बढ़ते नहीं है तो डायग्नोसिस विल बी द सेम, अदरवाइज मे बी वी हैव टू कंसीडर द अदर डायग्नोसिस इन द लिस्ट. ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कहोगे. ठीक है मैडम, so I will counsel the couple regarding the diagnosis that most probably at present she is having gestational pruritus, but but it will need the frequent monitoring every 1-2 weekly on every 1-2 weekly basis she will come for the frequent visits as this pregnancy can be converted and this increased levels can converted into the further increase and be converted into the obstetrical cholestasis and it has its own fetal maternal risks. I will advise them to come every 1-2 weeks with the liver function test report and the bile acids reports. At present, my patient is having the complaint of the itching. So I will address her itching by giving her local emollients and will also prescribe her anti-allergic tablet cetirizine, 1 tablet 2 times daily till her symptoms will get relieved by it. Right. Then as my patient is at 32 weeks of the gestation, I will also discuss with her that she will need the steroid prophylaxis they will also tell her regarding the when she will come on 1-2 weekly basis and if she is having any complaint of abnormal, meanwhile she is having any complaint of abnormal vaginal discharge, bleeding or decreased fetal movements or worsening of her itching symptoms, then she can report to the hospital. I will ask her. My aim of the management will be to prolong the pregnancy. Okay, as आपने ये counselling कर ली, अब आप इसको कितनी देर बाद बुलाओगे? मैडम इसमें जो आपने अभी तक जो सारा कुछ किया है इसमें आपने उसको एक तो डायग्नोसिस का बता दिया, फिर उसमें मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट बता दी, फिर आपने उसको जो बेसलाइन ट्रीटमेंट है वो दे दी, लेकिन आपने इसको स्टीरॉइड कवर क्यों दिया? मैडम आई विल डिस्कस विद हर दैट शी विल नीड द स्टीरॉइड प्रोफिलैक्सिस इन द कमिंग डेज इफ शी इज हैविंग इंक्रीज बाइल एसिड्स. अगर वो रिपीट में तो जस्ट ऑन द प्रोबेबिलिटी मे बी शी डजंट शी इज नॉट एक्चुअली इन नीड ऑफ स्टीरॉइड कवर. अब इसमें स्टीरॉइड कवर हम उस तरह से प्रोफाइलेक्टिकली हर एक को नहीं दे रहे होते, उस वक्त जहां पे देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेशेंट गोइंग इनटू लेबर या अर्ली इंटरवेंशन की हमारी पॉसिबिलिटी हो, तो बेस्ड ऑन द करंट टेस्ट उसमें जरूरत तो नहीं है. अभी इसमें प्रीटर्म लेबर के भी चांसेस नहीं है, पेशेंट के कोई ऐसे सिम्टम भी नहीं है, उसके लेवल्स भी ऐसे नहीं है. और अगर ये अभी 32 वीक्स पे है, सपोज ये 1 वीक के बाद आती है विद द परसिस्टेंट इचिंग. ओके मैडम, ठीक है, तो अभी एट दिस टाइम विद दिस सिम्टम्स एंड द साइंस एंड विद दीज रिपोर्ट्स शी डजंट नीड डेक्सा कवर राइट एट द मोमेंट. ओके, ठीक है, अब ये 1 वीक के बाद आती है विद परसिस्टेंट इचिंग. Rather, she says that the itching has been increased. Okay. And she is unable to sleep at night. What you will do now?
Madam, I will go and take the brief history, and after that I will do the examination, and then I will go for her repeat liver function test and the bile acids level. On examination, there are just itching marks, nothing else. And इसके अलावा जो bile acid जो आपने repeat करवाया, आपने bile acid करवाया ना repeat, और क्या करवाया? Madam, her liver function test. Okay. In the LFTs, her ALT and AST are now 65 each. और ईच मैं इसलिए कह रही हूँ कि उसको जरा सिंप्लीफाई करने के लिए, वरना जाहिर है थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो लेवल्स होते हैं. और इसके अलावा बाइल एसिड जो है ये अब है 25. ओके मैडम, 25. ओके मैडम, आई विल आल्सो नीड हर अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर कंफर्मेशन ऑफ द फीटल वायबिलिटी. फीटस के अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशन, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं कि फीटस में कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हुआ, एवरीथिंग इज okay madam. Then I will discuss with the couple that now her condition is worsening, and she has mild obstetrical probably she is having a mild intrahepatic cholestasis of the pregnancy, and I will discuss with her that at present she can be managed on the outpatient department basis. Will advise her to take the anti-allergics to relieve her symptoms. I will give her the anti-allergics and topical emollient, and will ask for the to come with the report again after the 1 week. My aim of the management will be to prolong the pregnancy as close to the term. But she says that initially the treatment did not work. You didn't give her these all emollients and other things, but it did not work. Madam, I will change the anti-allergic drug and will also start the urso deoxycholic acid to the patient. And I will give her tablet 500 milligram, one tablet, 2 times daily, and will prescribe her for it. You will give her about 1,000 milligrams per day of urso. What is urso? Madam, urso deoxycholic acid. Ye, madam, wo hai. Basically, madam, ye cholic acid. मैडम, ये इसका काम ये होता है कि ये ना बाइल एसिड्स जो बाइल सॉल्ट होते हैं. मैं पूछ रही हूँ ये है क्या चीज, काम तो बाद में आएगा. जी जी मैडम, ये एक ड्रग है उर्सो डीऑक्सीकॉलिक एसिड जिसको हम कहते हैं. व्हाट इट डज मैडम, बेसिकली इट इज ए कोलीरेटिक एजेंट है जो कि ना दैट डिस्प्लेस द बाइल सॉल्ट्स. And so the bile salts have been displaced, and these bile salts are basically increasing the amount of the bile acids in the body and in the circulation, that leads to the itching. So it will relieve that symptom of the patient. How? आपको पता है उर्सो सिर्फ cholestasis में ही नहीं और भी बड़ी condition में दी जाती है. तो इसका basically function क्या होता है? Why the bile acids are raised in the blood? इन कोलिस्टेसिस, कोलिस्टेसिस बेसिकली एक कंडीशन का नाम है जो कि किसी भी, सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं ये होती, ये वैसे अदरवाइज भी हो सकती है. तो इसमें होता क्या, व्हाट गोस रॉन्ग, बेसिकली देयर इज प्रॉब्लम इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द बाइल एसिड्स. ठीक है, उसका जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है दैट गोस रॉन्ग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम. तो ये उसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एनहेंस करती है ये वाला सॉल्ट जो है. ठीक है, लेकिन क्या हम इसके अलावा सिर्फ इचिंग के प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए कुछ और सिंपल ड्रग दे सकते हैं? बिकॉज एवरी ड्रग यू गिव इन प्रेगनेंसी डज हैव सम साइड इफेक्ट्स. जी मैडम, तो क्या हम इसके अलावा कुछ और सिंपल ड्रग दे सकते हैं? मैडम, वी हैव गिवन सिट्रिसिन टू द पेशेंट एंड टॉपिकल इमोलिएंट्स भी हम दे चुके हैं. व्हाट इज कोलेस्टायरामाइन? मैडम, कोलेस्टायरामाइन भी एक एग्जैक्ट उसका सो भूला हुआ बहरहाल, ये भी एक इसी तरह की ड्रग है दैट आल्सो लीड्स टू द डिक्रीज लेवल ऑफ द दैट आल्सो इंक्रीज द ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बाइल एसिड्स. बट इट इज नॉट रिकमेंडेड नाउअडेज इन द प्रेगनेंसी. क्यों? आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई. ओके, अच्छा,
तो इसमें आपके ख्याल में कि अब इसको उर्सो देने की जरूरत है राइट नाउ? उर्सो बेसिकली बाइल एसिड को डील करेगी या एलएफटीज को डील करेगी या दोनों को ही डील करेगी? मैडम इट विल बेसिकली इट विल डील विद द बाइल एसिड्स और दिस उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड विल नॉट लीड टू एनी इंप्रूवमेंट इन हर फीटल आउटकम्स बट इट विल रिलीव द सिम्पटम्स ऑफ द पेशेंट. ओके, इसमें हमारे ऑडियंस में बाकी कोई इस पे कमेंट करना चाहेगा गिविंग उर्सो एट द लेवल्स ऑफ 25 बाइल एसिड्स के जो लेवल हैं 25 और एलएफ जो एएलटी एएसटी हैं वो 65. वुड एनीबॉडी एल्स वांट्स टू कमेंट ऑन दिस हमारे बाकी ऑडियंस में? जो प्रीवियस गाइडलाइन थी वो तो उर्सो के रोल के ऊपर कमेंट करती थी क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेम यही अभी जो आपने पैथोफिजियोलॉजी बताई कि उर्सो की वजह से बेसिकली ब्लड के अंदर इसका लेवल कम होकर वापस इसकी ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो जाती है. तो वो जो लेवल जमा हो रहा होता है स्किन के नीचे वो पेशेंट को इचिंग वगैरह कर रहा होता है वो इम्प्रूव हो जाता है. पिछली ही गाइडलाइन में एक चीज लिखी हुई थी कि अगर ये मदर के ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन के थ्रू ही ये बेबी में जाता है और फिर मीकोनियम और आईयूडी के लिस्ट जो है वो बढ़ जाते हैं. लेकिन अब जो न्यू गाइडलाइन है वो माइल्ड उसमें नहीं इसका कोई रोल कह रही, वो कहें कि नहीं आपने ये नहीं देनी. हाँ, क्योंकि देखो अगर आप अब गाइडलाइन वाइज तो ये चीजें हैं लेकिन जब हम गाइडलाइन की बात करते हैं तो अगर चाहिए बिल्कुल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे बेस्ड होती है गाइडलाइन. लेकिन वही बात है कि गाइडलाइन आर अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू द स्पेशल फैसिलिटीज हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड द पॉपुलेशन टाइप इन दैट एरिया जहां पे आप गाइडलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं. तो अब हमारे पेशेंट जो हैं उनका अब हर एक की जो एक प्रेवलेंस ऑफ डिजीज या डिजीज पैटर्न जो है या कोर्स ऑफ द डिजीज है वो भी वेरी करता है फ्रॉम कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट. तो ये सारी चीजें हैं जो कि फर्क होती हैं. तो एक जगह की गाइडलाइन मे बी इट डजंट वर्क इक्वली ऑन द अदर कंट्रीज. तो इस वजह से हमें गाइडलाइन को अप्लाई करते हुए हमें थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. अब हमारी अपनी जो गाइडलाइन है इसका गाइडलाइन को रिकमेंड नहीं करती जी, लेकिन क्लिनिकल रिस्पांस बहुत अच्छा है अर्सू का तो हम तो अभी भी इसको स्टार्ट देते हैं. थोड़ा सा मैं यही चीजें बताना चाह रही थी कि इसीलिए मैं आप लोगों का वी पॉइंट लेना चाह रही थी कि आप लोग किस तरह से आप इसको लेते हैं. अब इसमें जो अब मसला ये है कि जब आपके जो एक्सटेंडेड टॉक्स बनते हैं तो उस पे आप इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस पे उनकी की नहीं बनाते. यानी अगर डेफिनेटली मैं खुद इसको यूज करती हूँ और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है, मतलब उसमें सारा इसका आउटकम बेहतर होता है. लेकिन बात यह है कि जो जहां तक एग्जाम का ताल्लुक है एग्जाम में आप इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस की बात नहीं करते. आप एग्जाम में हमेशा एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन अगर आपकी अपनी बनी हुई है तो प्रेफरेबली वो, वरना फिर जो ऑलरेडी जो दूसरे कंट्रीज में इस्तेमाल होती हैं खासतौर पे WHO या UK की जो गाइडलाइन है. WHO की इसलिए प्रेफरेबल होती हैं कि वो हर कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनजर रख के बनाई जाती हैं. तो अगर तो उनकी गाइडलाइन हो तो फिर हम प्रेफरेबली फिर उसको इस्तेमाल करते हैं और उसकी जो की बनाई जाती है वो हमेशा गाइडलाइन के ऊपर बेस होती है. तो इसी वजह से अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हमेशा रहती है क्योंकि एक्चुअली जो हम कहते हैं और जो गाइडलाइन कहती है उसमें फर्क है. क्योंकि एक्चुअली हम सारे यूज कर रहे होते हैं उर्सो को लेकिन जो गाइडलाइन है वो कहती है कि 25 पे करने की जरूरत नहीं है. बट देन हाउ द इचिंग विल बी रिलीव्ड, क्योंकि पेशेंट ये कहता है मेरी तो इचिंग परसिस्ट कर रही है और ये आपने जो पहले मेडिसिन दी थी उसने काम नहीं किया, तो हाउ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. तो वहां पे आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं क्योंकि जाहिर एग्जामिनर आपके सामने बैठा होता है हर स्टेशन पे वो सुन रहा होता है. तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगरचे गाइडलाइन कहती है कि इस पे जरूरत नहीं है देने की उर्सो, लेकिन चूंकि पेशेंट का प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है और इसकी कोई और वजह भी नहीं है, कोई स्किन एलर्जी नहीं है, कोई ड्रग एलर्जी नहीं है, कोई स्किन कंडीशन ऐसी नहीं है जो कि इसको करे, तो वी कैन यूज उर्सो इन दैट कंडीशन. अब जहां तक बार दफा ऐसा होता है कि बाइल एसिड के लेवल पे इतना फर्क नहीं पड़ता उर्सो को यूज करने से, मतलब पड़ भी जाता है लेकिन अक्सर हमने देखा है कि नहीं भी पड़ रहा होता, तो उस फिर बाइल एसिड्स को कम करने के लिए फिर आप डिफरेंट मेडिसिन यूज कर रहे होते हो जो स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि जो कोलेस्ट्रामाइन वगैरह हैं चाहे वो रिकमेंडेड नहीं भी है
लेकिन फिर भी हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं इन रेयर कंडीशंस जहां पे उर्सो प्राइमरीली उर्सो अगर उससे काम ना बने तो फिर आप क्लेस्टायरामाइन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन रेयर कंडीशन जस्ट टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट बिकॉज इफ द पेशेंट स्लीप इज डिस्टर्ब्ड एंड शी इज अनएबल टू स्लीप एट नाइट ड्यू टू दिस परसिस्टेंट इचिंग तो उस सूरत में आपने पेशेंट की एंग्जाइटी को रिलीव करना होता है और उसमें जो है वो अब इसको मैं भी यूज करती रही हूँ बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं इवन फिजिशियंस इसको एडवाइस करते हैं जब ऐसा पेशेंट उनके पास भेजो क्योंकि फिर इस तरह के पेशेंट्स में आप हमेशा मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट पे चले जाते हैं आप हेपेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं और अक्सर हमने देखा है कि वो इसको एडवाइस कर देते हैं तो इसलिए जो है वो आप इसको उस तरह से कर सकते हैं गाइडलाइन का बता के कि गाइडलाइन उस पर नहीं करती बट एज दिस पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द प्राइमरी ट्रीटमेंट विच इज डिजाइन फॉर जो है वो इसमें फॉर दीज लेवल्स तो उसमें आप इसको फिर उर्सो देने में कोई हर्ज भी नहीं है तो इस वजह से फिर आप उसमें बाइल एसिड जब तक परसिस्ट क्योंकि जो जहां तक ALT AST का रेस्ट होना है वो अमूमन इचिंग नहीं कर रहा होता इचिंग होती है बाइल एसिड के रेस होने से तो बाइल एसिड का रेस होना बाद दफा उर्सो से नहीं मैनेज हो रहा होता वो ALT AST को तो कर लेता मैनेज तो इस वजह से वो अगर ना हो तो फिर आप कोलेस्टेरामाइन जो कि क्वेस्ट्रन साशे के नाम से अवेलेबल है इन पाकिस्तान बाद दफा कभी कभी उसका अवेलेबिलिटी का इशू हो जाता है लेकिन अमूमन ये मिल जाता है तो चलिए अब इसको अब ये था इसका जो कि हमने अब आपने इसमें उर्सो शुरू कर दी ये उर्सो का शुरू करना या ना करना इज अ ग्रे एरिया जिसमें हमेशा एक डिबेट रहती है कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन तो इसमें रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये अभी भी माइल्ड वाली स्टेज में है अगर हम उनकी गाइडलाइन पे जाएं और उनके लेवल्स को देखें तो वो तो 100 पे जाके कहीं शुरू करते हैं और हम तो डेफिनेटली अगर हम इसको 5-6 नॉर्मल लेते हैं प्रेगनेंसी में हम इसको जरा अपर मार्जिन 19 तक ले जाते हैं और 19 के बाद फिर एक्चुअली ICP वाला डायग्नोसिस शुरू हो जाता है जो गाइडलाइंस कहती हैं जैसा कि आप सबको भी पता है तो लेकिन एक्चुअली द ग्राउंड रियलिटी समटाइम्स मे बी डिफरेंट इन दैट केसेस यू कैन मॉडिफाई द ट्रीटमेंट कि अगर ये गाइडलाइन में इस तरह से है लेकिन हम इसको इस तरह से कर सकते हैं यूज कर सकते हैं अगर पेशेंट की प्रॉब्लम रिलीव नहीं हो रही तो ठीक है आप इस तो इस तरह से करके फिर आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं ठीक है जी सना अब आगे चले ओके मैडम After giving this, I will monitor my patient on the weekly basis and will repeat her liver function test and the serum bile acids after the 1 week. On the 1 weekly basis. At 36 weeks of the, if the her levels will persist and she will have the mild intrahepatic cholestasis of the pregnancy, and she will diagnose as the mild. Now, अब इसमें थोड़ा सा उर्सो से related बात आपने जो है वो बड़ी high dose से शुरू किया. तो इट्स बेटर इफ यू स्टार्ट विद द लो डोज क्योंकि अब लो डोज का मतलब ये है कि 250 मिलीग्राम की आप BD में शुरू करें क्योंकि इसको आप 500-600 से शुरू कर सकते हैं बेसलाइन और आप इसको फिर आगे ले जा सकते हैं अब ये फर्ज किया आपने ये 250 मिलीग्राम इसको BD दी फिर आपने इसका कितनी देर बाद रिपीट करवाया मैडम आफ्टर 1 वीक अच्छा आफ्टर 1 वीक जो है वो बाइल एसिड अब इसके 30 हो गए हैं और ALT AST जो है वो अब इसके हो गए 85 मैडम एज इट इज स्टिल इंक्रीजिंग आई विल डिस्कस विद माय डैड बाय अनदर 1 वीक नाउ शी विल बी एट 34 वीक्स यस मैडम एट 34 वीक्स एट दिस टाइम आई विल गिव हर स्टेरॉइड प्रोफाइल एक्सेस and will discuss with her that her levels are getting increasing and will also discuss with her whether मैंने आपको अभी 35 बताए हैं जी मैडम ठीक है 35 और इसके अलावा ALT AST जो है वो 85 हो गए 85 बताए हैं मैडम स्टिल इट इज इन द लेवल रेंज ऑफ द माइल्ड इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी बट इट इज इन द इंक्रीजिंग पैटर्न So I will again counsel my patient and her attendants that her levels are getting increasing day by day. So she will need the steroid profile excess and will increase her dose of the urso deoxycholic acid and will also ask my patient whether her symptoms are getting improved or it is worsening. She says that there is partial relief of itching now.
when she comes after at 34 week जब वो आती है तो वो कहती है कि partially relief है now, लेकिन actually जब आप उसके test देखते हैं तो वो ये होते हैं, तो you will increase the urso now, ठीक है? जी मैडम। आप फिर उसके बाद क्या करेंगे? I will increase the dose of the urso and will also go for the growth scan of the patient. And as 2 weeks have been passed, and we'll also discuss with her that there will be the need of the involvement of the multidisciplinary team. At 36 weeks, my aim of management. No, after when you will call her now, madam, after 1 week. ओके okay, आफ्टर 1 week क्या फिर आप करोगी यानी अगेन मैडम जी मैडम एट 35 वीक्स आई विल अगेन गो फॉर द लिवर फंक्शन टेस्ट एंड द सीरम बाइल एसिड ओके बाइल एसिड आर 20 नाउ एंड एएलटी एएसटी आर नाउ 45 ओके madam, so at this time I will discuss with my patient that it's a good news for her that her levels are getting improved, but still these are in the range of the mild ICP. So you will continue with the same dose, and till what time you will prolong the pregnancy? Madam, my aim will be to prolong the pregnancy till the 40 weeks if provided the fetal-maternal conditions remain satisfactory. They add this level. Uh-huh. And at 36 weeks of the gestation, I will recall my patient at 36 uh-huh. weeks of the gestation with the levels. And at this time, I will also review her liver function test and the serum bile acids, and will also go for her growth scan and will discuss with her the management plan. And basically, patient ki pregnancy ko prolong karna will depend upon the patient's compliance, patient's educational status, patient's होम फैसिलिटी एंड दूसरा ये कि वो कितना को उसका मूवमेंट्स का और बाकी सब चीजों का ध्यान रख सकती है एंड ऑन द फीटल स्टेटस एज डिसाइडेड ऑन द अल्ट्रासाउंड फिर आपने उसका अब 40 वीक्स चाहे वो इंडिकेटेड है फॉर दिस टाइप ऑफ ये जो इसका रिजॉल्विंग बेसिकली आईसीपी है बट स्टिल वी विल डिसाइड द टाइम ऑफ दिस डिलीवरी According to the other patient's biodata profile, उसके ऊपर आप decide करोगे और आपने उसमें जो safe time इसमें होगा वो 38-39 weeks होगा क्योंकि हमारी population में ये बहुत सारी चीजें जो आपको ज़हन में रखनी पड़ती हैं क्योंकि अब देखो जो UK वगैरह में या कहीं भी बाहर the patients are in contact with their physicians चाहे वो टेलीफोनिक कॉल हो या कैसे भी हो किसी भी सिम्टम की सूरत में वो कॉल को सारा ये चीजें हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती तो इस वजह से पेशेंट को आपने एक तो बताना भी है कि किन किन चीजों का उसने ध्यान रखना है और उसमें उसकी जो फीटल मॉनिटरिंग है वो कंटिन्यू रहेगी एंड यू विल इवन इन द रिजॉल्विंग दिस आईसीपी यू विल प्रेफरेबली डिसाइड फॉर द टाइम ऑफ डिलीवरी एट अराउंड 38-39 अब अगर यही फर्ज किया ये नॉन रिजॉल्विंग होता और बढ़ता जाता तो डेफिनेटली फिर आपने उसको 35-36 वीक्स पे कर देना है डिसाइड कर देना है ठीक है इसमें आपने इसको इस तरह से लेके चलना बट दिस इज हाउ द केस गोज ऑन इन अ स्ट्रक्चर्ड वाइवा ठीक है अब इसमें एक क्वेश्चन जो मेरे सामने आ रहा था वो ये था कि विटामिन के का रोल इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेटेड अनलेस देयर आर चांसेस ऑफ कोएगुलोपैथी और वो चांसेस ऑफ कोएगुलोपैथी आपको आप पीटी एपीटीटी उस तरह से नहीं करवा रही होती हो लेकिन पेशेंट के सिम्टम पे यानी उसमें अगर फैट मेल अब्सॉर्प्शन हो जिसमें सिस्टोरिया वगैरह ये सारी चीजें जो आ जाती हैं तो वहां पे फैट सॉल्युबल विटामिन जो हो जो के विटामिन के डिपेंडेंट भी होते हैं वो सारे उसमें जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते उनकी डेफिशिएंसी होती है इस वजह से आप उसमें विटामिन के दे देते हो लेकिन अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इंडिकेटेड नहीं है यानी एज अ प्रोफाइलेक्सिस हर केस में ये इंडिकेटेड नहीं है तो अब हम इसको मेरा ख्याल है आईसीपी को कंक्लूड करें एंड वी मूव ऑन टू द अदर केस ठीक है अब इसमें जो आईसीपी से रिलेटेड मेरा ख्याल है कोई क्वेरी तो नहीं रहेगी होगी शायद उसमें मैम जी जी मैम हम पेशेंट के सिम्टम्स देख रहे हैं और फिर उसके मुताबिक इंडिविजुअलाइज कर लेते हैं अपने बाइल एसिड्स को लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बेबी के लिए हम क्या करते हैं क्योंकि फिर ऑल्दो कि हम यहाँ पे अपने मुताबिक गाइडलाइन को इंडिविजुअलाइज करेंगे लेकिन हाँ. अभी तो मुझे समझ नहीं लगा कि गाइडलाइन तो सीटीसी का भी इसमें कोई रोल नहीं कह रही कोई भी चीज नहीं तो फिर बेबी को हम किस तरह से मॉनिटर करते हैं
देखो बेबी की सर्वेलेंस विल बी अगेन एज बेस्ड ऑन द बायोकेमिकल पैरामीटर्स, यानी जो आप इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं उसमें फीटल आउटकम के कितने चांसेस हैं, कितनी स्टिल बर्थ रेट है. अब जो माइल्ड है उसमें तो स्टिल बर्थ का इतना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता. तो जो फीटल मॉनिटरिंग है वो चलेगी बाई लेसर के साथ साथ. अब अगर एक दफा ICP मॉडरेट डिग्री पे पहुंच गया और वापस रिवर्ट हो गया तो भी फीटल इफेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, फीटल आउटकम उससे इफेक्ट हो सकता है, पेरीनेटल आउटकम उससे इफेक्ट हो सकता है. तो इस वजह से जो फीटल मॉनिटरिंग है दैट विल बी एज फीटल सर्वेलेंस इन एनी अदर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, यानी आप इसको अल्ट्रासाउंड बेस्ड आप इसको लेके चलेंगे. ठीक है, उसमें अब जो फीटल मूवमेंट पहली चीज होती है, फिर जब पेशेंट आता है फीटल मूवमेंट के साथ CTG होती है, फिर बायोफिजिकल प्रोफाइल होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें ग्रोथ स्कैन है. और अब इसमें अब ये देखें कि इसमें जो फीटल प्रॉब्लम है वो होता क्यों है. बेसिकली ये ज्यादा इफेक्ट करता है मायोकार्डियम को, उसमें एरिदमिया भी हो सकते हैं, एनोक्सिया भी हो सकता है. तो इसी वजह से ये सारी चीजें हमने जो है वो करनी होती हैं. इसमें वेजोस्पैज़म भी हो सकता है. तो इस वजह से हमने इसको इसी तरह से डॉपलर फ्लो और उससे वो सारे पैरामीटर जो हम फीटल सर्वेलेंस के अल्ट्रासाउंड पे करते हैं वो सारे हम इसमें कर सकते हैं. तो इसमें जो ज्यादा फीटल आउटकम पुअर होता है वो ज्यादा होता है जो जितना अर्ली हो जाए. और ये चूंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में, इसकी यूजुअल प्रेजेंटेशन ही सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, बहुत कम ऐसे होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही शुरू हो जाए. और ये वही केस होते हैं जिनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से भी ICP हो जाता है, तो ये कोलिस्टेसिस हो जाता है. तो इस वजह से जो है उसका ये एक एटिपिकल प्रेजेंटेशन होगी, जिसमें फिर आपने बाकी भी सारी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें राइट ऑन द फर्स्ट जो बुकिंग है उस पर आपने अल्ट्रासाउंड भी करवाना है, बाकी सारी वायरल सीरोलॉजी तो आप करवाते ही करवाते हो. तो ये सारी चीजें हैं जो आप उसके पहली बुकिंग पे ही सारे करवा लेते हैं अगर बहुत अर्ली प्रेजेंटेशन हो तो. या फिर ये कि अर्ली प्रेजेंटेशन के साथ साथ उसके ALT AST मार्केटली रेस्ड हो जाए. अमूमन ये बॉर्डर लाइन रेस्ड होते हैं, 100 से ऊपर जरा कम ही जाते हैं, लेकिन अमूमन ज्यादा से ज्यादा भी रेज हो तो 200-300 तक चले जाते हैं. लेकिन अगर इससे भी ऊपर हो तो फिर हमें दूसरी रीजंस को भी रूल आउट करना पड़ता है, क्योंकि ICP बाज दफा को एग्जिस्ट कर सकती है इन द अदर वायरल हेपेटाइटिस भी. क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो है उनके साथ ICP होने के भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो इस वजह से जो एटिपिकल फीचर्स हैं उसमें फिर आप उसको बाकी चीजों के लिए भी स्क्रीन करेंगे. ठीक है, तो अब हम मेरा ख्याल है दूसरे इस पे और तो मेरा ख्याल है कोई क्वेरी नहीं है, क्योंकि कोलिस्टेसिस एक इम्पॉर्टेंट चीज है और ये अक्सर इम्तहान में आ भी जाता होता है. कोलिस्टेसिस भी वायरल हेपेटाइटिस एंड हेल्प सिंड्रोम, ये तीन चीजें हैं जो ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. और बाज दफा इनका जो है वो डिफरेंशियल करना भी जो है वो कभी कभी सिनेरियो ऐसा होता है कि डिफरेंशियल करना इनका मुश्किल हो जाता है. तो मेरा ख्याल है अब ICP से रिलेटेड तो कोई अब इसमें कोई क्वेरी नहीं रह गई होगी. Assalamualaikum मैम. मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जब भी अगर सेकंड ट्राइमेस्टर 30 वीक्स पे डायग्नोज हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस है, तो क्या पेशेंट को वीकली विजिट्स कराएंगे उसके बाद? आप आसानी से उसको 2 हफ्ते बाद भी बुला सकते हैं. अगर बेस लाइन ही उसका फर्ज किया 40 है या 45 है तो फिर आपने 1 हफ्ते बाद ही बुलाना, क्योंकि वो रैपिड प्रोग्रेशन हो रही होगी बाद दफा. ठीक है मैडम, इस वजह से आप उसके ऊपर बेस करोगे. और मैडम AST की क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब हम तो ALT को AST बेसिकली जो ज्यादा स्पेसिफिक मार्कर है वो ALT ही है, क्योंकि AST तो बाकी जगहों से भी बन रहा होता है. लेकिन ये है कि ALT और AST का भरना इंडिकेट करता है कि लिवर का जो है वो उसमें नेक्रोसिस या लिवर की जो हेपेटोसाइट्स की इंजरी है वो ज्यादा हो रही है. ठीक है, तो उसका भरना भी फिर एक कोएग्जिस्टेंट पैथोलॉजी को इंडिकेट कर रहा होता है. जरूरी नहीं कि वो ICP में ही हो, वो फिर कोएग्जिस्टेंट पैथोलॉजी को फिर आपने जो है वो रूल आउट करना होता है, उसको फिर आपने सर्च करना होता है. यही वजह है कि एडिशनल इन्वेस्टिगेशन फिर उसमें इंडिकेटेड होती है. मैडम और यूरिन फॉर बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स की क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब अगर आपके पास सीरम बाइल एसिड्स नहीं हो रहे तो यूरिन फॉर बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स के क्या सिग्निफिकेंस है? उससे मॉनिटरिंग हो सकती है? सीरम बाइल एसिड्स होते हैं.
हम टेस्ट करवाते हैं उनका जी मैम, लेकिन ये एक्सपेंसिव टेस्ट है, मतलब 5000 है सेंसिटिव टेस्ट, लेकिन ये है कि वो चेक हो रहे होते हैं हमारी यहाँ की लैब्स में, सारी लैब्स डेफिनेटली नहीं करती हैं, लेकिन कई लैब्स इसको कर रही होती हैं और वो ठीक कर रही होती हैं जी मैम। अब जहां तक सीरम यूरोबाइलिनोजेन और सीरम बाइल जो है, वो अमूमन बाइल एसिड तो नहीं उस तरह से आते, सीरम बाइल या बाइलिनोजेन जो है वो उसमें रेज हो रहा होता है। अब उसकी जो सिग्निफिकेंस है, बाज दफा ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी इस तरह से ये हो सकता है, वो एक डिफरेंट डोमेन है, लेकिन उसका आईसीपी के साथ रिलेशन उस तरह से नहीं बनता। मैडम यूरिन में सीरम बाइल की बात बेटा कर रही हूँ, यूरोबाइलिनोजेन यूरिन में ही होती है। ओके ओके मैडम, ठीक है चले जी। अब इसमें अगला आप क्या केस डिस्कस करना चाहते हो? मेरे ख्याल में हेल्प सिंड्रोम कर लें, क्योंकि फिर जो वायरल हेपेटाइटिस है वो तो काफी ब्रॉड है, तो हेल्प इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली अगर बता दूं, इज इट ओके? जी मैम आप बता दें। हाँ, yes, इसमें बेसिकली हेल्प सिंड्रोम का जो हम कहते हैं कि एक ट्रायड है सिम्टम्स की, अब इसकी कुछ एसोसिएशन है विद अ सर्टन प्रॉब्लम, जैसे जाहिर है कि प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया का एक हिस्सा है, और इसमें जब भी ये होगा तो हम इसको पीईटी में लेबल कर देंगे, ठीक। अब इसमें जहां तक उसकी क्लासिकल ट्रायड ऑफ सिम्टम्स है, वो तो आपको पता ही है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स है, हेमोलिसिस है और लो प्लेटलेट काउंट है, लेकिन बाज दफा उसकी बड़ी एटिपिकल प्रेजेंटेशंस भी सामने आती हैं, जो हो सकता है आपको कभी केस सिनेरियो में उस तरह से आ जाए, जैसे ये फर्स्ट टाइम प्रेजेंट ही हो सकता है लिवर हिमेटोमा के तौर पे करे अलोंग विद लो प्लेटलेट एंड नो अदर पैथोलॉजी, यानी उसमें हिमेटोमा के साथ आप ब्लीडिंग को उसको एनीमिया को तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, हिमेटोमा बन रहा है तो उसमें एनीमिया हो गया, लेकिन लिवर एंजाइम्स अगर नॉर्मल हो और उसमें लो प्लेटलेट काउंट हो तो भी आप इसको हेल्प सिंड्रोम में ही लेबल करोगे। ये एटिपिकल कहलाता है, बाज दफा ये पार्शियल हेल्प सिंड्रोम भी होता है। पार्शियल हेल्प सिंड्रोम वो होता है कि जिसमें इन एसोसिएशन विद हाइपरटेंशन, इसमें कोई एक सेगमेंट इस ट्रायड ऑफ सिम्टम्स की हो सकती है, यानी स्वेर प्रीएक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया होगा, स्वेर पीएएच है, और उसके साथ हो सकता है सिर्फ लो प्लेटलेट ही हो। अब अगर खाली लो प्लेटलेट ही हो तो हम इसको अमूमन हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी हम इसको हो सकता है हम टीटीपी कहें या आईटीपी कहें या जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहें, उसमें डिफरेंट फिर उसमें डिफरेंशियल्स आ सकते हैं, लेकिन इसकी एसोसिएशन विद द हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन पहले हुई और ये लो प्लेटलेट बाद में हुए, तो इसको हम पार्शियल हेल्प सिंड्रोम भी कहेंगे। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ उसमें एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स ही हों या हेमोलिसिस हो तो भी वो पार्शियल हेल्प सिंड्रोम ही कहलाएगा, ये पार्शियल है यानी उसमें सारे कॉम्पोनेंट्स नहीं है। अब जहां तक उसकी ग्रेडिंग ऑफ द हेल्प सिंड्रोम है, वो माइल्ड मॉडरेट सीवियर में सारी चीजों में आ जाती है, और इसमें जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर है, माइल्ड मॉडरेट में अमूमन जो एलएफटीज और एलडीएच हैं वो तो एक ही रेंज में होती हैं, लेकिन जो प्लेटलेट काउंट है वो माइल्ड में 100 से 150 से 100 तक की रेंज में हो सकता है, यानी ग्रेजुअली कम हो रहा होगा, और जो मॉडरेट है वो 100 से लेकर 50 तक, और लेस देन 50 विल बी सीवियर हेल्प सिंड्रोम। तो अब जहां तक इसकी मैनेजमेंट का ताल्लुक है, अमूमन इसमें इसमें बाल दफा ये देखा जाता है कि इसमें रोल ऑफ स्टीरॉइड्स क्या है। अब बाल दफा ऐसा भी होता है कि लो प्लेटलेट आपके बिल्कुल फर्स्ट टाइम एसिडिस शुरू हुए होते हैं, लेकिन हाइपरटेंशन कहीं बहुत बाद में जाके डेवलप होती है, उस सूरत में आप इसको पार्शियल हेल्प सिंड्रोम नहीं कहोगे। उस सूरत में ये आईटीपी है या टीटीपी है, जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थोड़ा सा लेट जाके होता है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो इसकी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब जहां तक इसका अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड हेल्प सिंड्रोम हो तो वो मैंने वही बताया जिसमें लिवर हिमेटोमा हो सकता है, जिसमें ज़ाहिर इमरजेंसी सर्जरी और ये सब चीजें इंडिकेटेड होती हैं, ड्रेनेज है, हिमेटोमा को ड्रेन करें और उसको फिर पैक कर दें, तो ये है। लेकिन अगर उसकी जहां तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, इसकी फाइनल जैसे आम एक्लेम्शिया वाले पेशेंट्स में भी होता है कि फाइनल मैनेजमेंट है ही इसकी डिलीवरी, सो इज विद द केस ऑफ हेल्प सिंड्रोम, क्योंकि ये एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ सीवियर पीआईएच की, तो वहां पे आपने पीआईएच को कंट्रोल करना है एज पर रूटीन,
और आप इसमें ये नहीं कर सकते कि प्लेटलेट को मेगा यूनिट लगा के ठीक करें, या फिर आप उसको स्टीरॉयड देते जाएं, या फिर आप इसको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करें, उससे ये रिजॉल्व नहीं होता अमूमन। उसमें बहुत पार्ट टाइम जो है वो उसमें चीजें सिम्टम मैनेज होते हैं, लेकिन अदरवाइज इट प्रोग्रेसिस, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है अनलेस द पेशेंट हैज बीन टर्मिनेटेड फॉर प्रेगनेंसी। तो इसी वजह से जब भी हेल्प सिंड्रोम होगा इसकी ट्रीटमेंट डिलीवरी ही होगी, बट आफ्टर स्टेबलाइजिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, और जिसमें आपने इमरजेंसी प्रॉब्लम्स के लिए रेडी रहना होता है। तो मेरा ख्याल है इसमें किसी भी केस सिनेरियो में आप इस सिचुएशन को इसको फिट कर सकती हो। जो एक केस जो मैं जानती हूँ वो वही लिवर हेमाटोमा का ही है, जो कि एक बहुत एग्जेजरेटेड फॉर्म ऑफ हेल्प सिंड्रोम है। पेशेंट हाइपरटेंसिव और उसमें उसके एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स और उसमें हिमोलिसिस, ये अनीमिया भी है, और इसके अलावा प्लेटलेट काउंट जो है वो लेस देन 100, 70 तक तकरीबन। एंड द पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्यूट एब्डोमेन एंड द लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट एंड ऑन अल्ट्रासाउंड फ्री फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी एंड द लिवर हेमेटोमा और IUD। फिर उसके बाद सर्जिकल एक्सप्लोरेशन और उसकी इवैक्यूएशन ऑफ द हेमेटोमा और उसकी पैकिंग, और फिर उसके बाद उसका जो है वो डेफिनेटली उसके प्रीवियस सेक्शन थे तो सेक्शन ही करके निकालना पड़ा, इवन डेड बेबी भी। तो यहाँ तक उसकी मैनेजमेंट, और उसके बाद फिर उसके बाद आपने कॉम्पोनेंट थेरेपी दी। अब कभी कभी ऐसे होता है कि डिलीवरी भी उस मसले को हल नहीं कर रही होती, और डिलीवरी के बाद भी कभी कभी ये हेल्प सिंड्रोम जो है वो एग्रेवेट कर सकता है। तो उस सूरत में भी आपने उसको डिलीवरी, एक तो आपने उसका सोल्यूशन कर लिया, लेकिन उसमें फिर वहां पे आके सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट आ जाएगी। जैसे ये इसी तरह से ये जैसे एक्लेम्शिया कभी कभी डिलीवरी के बाद भी हो जाता है, तो इसी वजह से कभी कभी, वेरी रेयरली दो, लेकिन हेल्प सिंड्रोम जो है वो डिलीवरी के बाद भी हो सकता है, वहां पे आपने फिर उसको सिम्टोमेटिकली मैनेजमेंट करनी होगी। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन हेल्प सिंड्रोम की इतनी काफी है, बाकी इफ एंड बट्स तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन जो उसकी कुछ एटिपिकल चीजें हैं या उस पर हाउ टू फिट इट ऑन अ प्रैक्टिकल केस, वो थोड़ा सा मैंने आपको बता दी है, लेकिन अगर इसमें आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क दैट। फिर हम आगे मूव ऑन करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका ये लिवर डिसऑर्डर वाला प्रॉब्लम, ये जो है टॉपिक, वो कम से कम आज खत्म हो जाए। जी, हेल्प सिंड्रोम से रिलेटेड किसी के जेन में कोई क्वेरी तो नहीं है? हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी क्या? हेलो मैम, आवाज आ रही है? तो सब इतने खामोश क्यों हैं? जी बेटा, कोई सवाल पूछिए जो आपको चीज नहीं समझ आ रही, वरना फिर हम आगे चलें। मैम ये समझ में आ गया। जी मैम ये समझ में आ गया, नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा ठीक है, बस इसमें इतना कुछ बहुत लंबा चौड़ा है भी नहीं है हेल्प सिंड्रोम में, इसमें तो बहुत रिसर्च चीजें हैं। मैडम इसकी हिस्ट्री में रिस्क फैक्टर्स को कैसे एवलुएट करेंगे? किसको? ये जो है हेल्प सिंड्रोम में? जी बेटा, इसमें जाहिर है इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो मेनली तो है ही हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन स्पेसिफिक और प्रेगनेंसी स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन है, यानी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी की ये कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। लेकिन जो आपने हेल्प सिंड्रोम से रिलेटेड जो बाकी चीजें हैं, जैसे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई, अब जाहिर है प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग तो हो सकती है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होंगे तो उसकी वजह से पेशेंट को नॉजिया वॉमिटिंग हो सकता है, उसकी वजह से पेशेंट को फटीगेबिलिटी हो सकती है, उसकी वजह से पेशेंट को जो है वो एनोरेक्सिया वाली चीज, ये सब चीजें हैं जो कि हो सकती हैं। तो जो हेल्प सिंड्रोम की चीजें हैं उसको एनीमिया की वजह से उसके जो साइन सिम्टम है वो सारी चीजें आप पूछोगे, और हाइपरटेंशन के बजाते खुद के वो भी जो हैं। अब जहां पे बार दफा लिवर बहुत स्ट्रांगली, जहां पे भी किसी भी प्रॉब्लम में जहां पे लिवर इन्वॉल्व हो, चाहे वो ICP हो, चाहे वो हेल्प सिंड्रोम हो, चाहे वो वायरल हेपेटाइटिस हो, आप उसमें कुछ और चीजें भी रीनल डिसऑर्डर से रिलेटेड भी जरूर पूछते हैं, क्योंकि ये जो है जैसे लिवर जो उसके किडनी के प्रॉब्लम्स हैं वो आपने उसमें रूल आउट करने होते हैं, बल्कि उसको स्क्रीन भी करना होता है। तो ये भी चीज थोड़ा सा जेन में रखा करें कि वहां पे आप उसको किडनी फंक्शंस को भी एवेल्युएट कर लिया करें, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक डिसऑर्डर पेशेंट हिस्ट्री पे बताता है, या
अगर उसके बहुत ग्रॉसली रेस्ड उसके प्राइमरी लेवल्स हों तो फिर आप उसको जरूर कर लें, क्योंकि हेपेटो रीनल शट डाउन एक एंटिटी है, यानी जो वहां से जो टॉक्सिक जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो किडनी फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं, उसके रीनल वेस्कुलेचर को इफेक्ट करते हैं, जीएफआर को कम करते हैं, तो इसी वजह से जो है वो उसमें उसको भी जेन में रखना होता है। एंड दिस इज मोर मार्क्ड व्हेन देयर इज वायरल हेपेटाइटिस, यहाँ जहां पे कोई क्रॉनिक लिवर डिजीजेस हों वहां पे भी ये बहुत मार्क्ड होते हैं, जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर वगैरह उसके साथ भी। तो मेरा ख्याल है अब हम इसमें आगे मूव करें, जो बाकी जो वायरल हेपेटाइटिस की है जो जो उसमें है, ये जो वायरल हेपेटाइटिस वाला जो सिनेरियो है, अब इसमें आप कोई सिनेरियो जो आपने कभी एनकाउंटर किया हो, जाहिर वायरल हेपेटाइटिस को इतनी भी अनकॉमन चीज नहीं है, तो आप में से किसी ने भी कोई भी जो सिनेरियो कभी एनकाउंटर किया हो, पेशेंट ऐसा देखा हो जो कि आप डिस्कस करना चाहो या ना समझ जाई हो, वो हम उसको देख लेते हैं क्विकली। जी कोई है ऐसा सिनेरियो आपके जहन में? मैडम एग्जाम में हमें ये लिवर डिजीजेस किस तरह से आ सकते हैं? इंट्राहेपेटिकल सिनेरियो, देखो जैसे इन्होंने पहले आईसीपी वाला सिनेरियो दिया, ये इसी तरह से आ सकता है। अब बाद दफा सिनेरियो ऐसा होता है कि मैं आपको बताती हूँ कि ये पेशेंट है, अब जैसे ये 29 इयर्स की थी, प्राइमरी ग्रेविडा 32 वीक्स पे, जनरलाइज्ड बॉडी इचिंग उसके साथ हो सकता है। मैं एग्जामिनेशन फाइंडिंग भी बता दूं कि ऑन एग्जामिनेशन स्किन रैशेज हैं, जो कि इचिंग रैशेज आप इसको कह सकते हो, और जेस्टेशनल फंडल हाइट इज रिकॉर्ड 32 सेंटीमीटर सिम्फिजियो फंडल हाइट है, फीटल हार्ट ठीक है, कैफेलिक प्रेजेंटेशन है, और जो इसकी बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पे बाइल एसिड इतने, LFTs इतने, और ये वो सारा कुछ। अब हो सकता है ये सारी चीजें सिनेरियो में दी हुई हों, और उसके बाद फिर आपकी स्ट्रक्चर डिस्कशन चल जाएगी कि अब आप इसको कैसे लेके, यानी वो 32 वीक्स तक की प्रेजेंटेशन आपको सारी दे दी होगी। फिर उसके बाद हो सकता है इसी तरह से वो केस चलाएं जैसे हमने चलाया कि अच्छा अब एक हफ्ते बाद ये हो गया, दो हफ्ते बाद अब ये हो गया, 36 वीक्स पे उसका ये सिनेरियो हो गया, अब उसके ये इस तरह से फिर केस चल सकता है। या फिर उसी तरह से जैसे हमने चलाया कि इसमें सिर्फ एक ये मेन सिनेरियो दे दिया और उसके बाद आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ली है, ठीक है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में जो है वो आपने सारा हिस्ट्री पॉइंट बता दिए, एग्जामिनेशन पॉइंट बता दिए, और इसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन बता दी। इसी तरह से फिर हमने आगे लेके चले, अब एग्जामिनर की सवाबदीद पे है या अकॉर्डिंग टू की है कि वो फर्ज किया, वो कहता है कि अच्छा तीन हफ्ते बाद उसके ये लेवल आ गए, रादर देन डिस्कसिंग इट एट एवरी वन वीक इंटरवल, उसको शॉर्ट कट करने के लिए कि 35 वीक्स पे इसका इतना था, फिर 30, अब इसको आप कैसे करोगे, वो उसके की के मुताबिक होगा कि वो लेवल्स कम करते हैं या ज्यादा कर देते हैं खुद से ही, जिस चीज को भी डिस्कस करना चाहे, सीवियर को डिस्कस करना चाहते हैं या माइल्ड मॉडरेट को डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हमेशा की बनी हुई होती है। अब इसी तरह से जो ये जो हेल्थ सिंड्रोम वाला मैंने बताया, हो सकता है उसमें भी ऐसी कोई सिनेरियो हो कि पेशेंट इस तरह से आया, क्यूट एब्डोमेन के साथ आया, अब आप उसको क्या करोगे, डेफिनेटली यू हैव टू कीप द पॉसिबिलिटी ऑफ हेमेटोमा इन माइंड, विच इज अ मच मोर एडवांस्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेल्थ सिंड्रोम, उसमें हो सकता है ऐसे। तो इसी तरह से जो बेसिकली जो वायरल हेपेटाइटिस है उसमें आप वायरल स्क्रीनिंग तो हर एक की करते हो, तो पेशेंट आता है आपके पास, पेशेंट सपोज 12 वीक्स पे आ जाता है, पहली बुकिंग फर्स्ट बुकिंग विजिट ही उसकी 12 वीक्स पे होती है, और पेशेंट का जब आप बेसलाइन, पेशेंट अदरवाइज ये सिम्टोमेटिक है बिल्कुल, पेशेंट का जब आप टेस्ट करवाते हैं, वायरल स्क्रीनिंग करवाते हैं, तो उसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है। तो फिर उसके बाद आप ये यहां तक केस सिनेरियो देखे, तो फिर आगे आपकी केस डिस्कशन चलेगी। तो अगर यही सिनेरियो आपका हो कि पेशेंट 12 वीक्स पे आया, अब ये वैसे वायरल स्क्रीनिंग कब होनी चाहिए, किस टाइम पे होनी चाहिए, पहले तो ये बताएं, पेशेंट जो हमारे पास होते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स के, वो उनकी वायरल स्क्रीनिंग कब होनी चाहिए? एट बुकिंग, क्योंकि आपने क्रॉनिक कैरियर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये भी मैंने देखा है कि कुछ लोग थोड़ा सा लेट इंजेस्टेशन जाके करते हैं नियर टू द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो गलत है, क्योंकि इसमें आप जितना अर्ली करते हैं आपको कैरियर स्टेटस या क्रॉनिक हेपेटाइटिस वाले केसेस पता चल जाते हैं, फिर आपकी सारी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से चलती है। तो आपने उसको, क्योंकि जो बेसिकली जो अब WHO की रिकमेंडेशन है हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड,
वो यही है कि आप इसको एज सुन एज पॉसिबल एट अराउंड 12 to 14 weeks आप इसको आइडेंटिफाई करें, और फिर आपने उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आप स्क्रीनिंग उसकी करते हैं जिसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल भी होती है या जिसमें प्रिकॉशंस आपने करनी होती है अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो तो, क्योंकि जैसे हेपेटाइटिस सी है उसकी ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं है इन प्रेगनेंसी एटलीस्ट, लेकिन आप उसमें फिर प्रिकॉशन जो कम्युनिटी प्रिकॉशन है या फैमिली प्रिकॉशन है वो आप कर रहे होते हैं उसके रूट ऑफ स्प्रेड को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन में बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, और उसमें सबसे ज्यादा ये कि जो पेरीनेटल ट्रांसमिशन है वो अप टू 90% होती है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इन यूट्रो, वर्टिकल ट्रांसमिशन जो कहलाती है, तो आपने उसको मिनिमाइज करना होता है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है WHO की कि इस वक्त 90% पेरीनेटल ट्रांसमिशन जो है वो उन्होंने लेस देन 0.1% तक लाना है बाय ईयर 2030, और ये तब ही पॉसिबल हो सकता है जब हम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकें, उसको प्रिवेंट करें। अब प्रिवेंट कैसे होगा मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, मदर पॉजिटिव है और उसके बाद आपने फर्ज किया बच्चे को वैक्सीनेट भी कर दिया, फिर भी 10% कैरियर बन जाते हैं बावजूद फुल वैक्सीनेशन और फुल पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी के भी 8 to 10% में फिर भी क्रॉनिक कैरियर बन जाते हैं जिनमें वर्टिकल ट्रांसमिशन हुई होती है। तो ये मसला कैसे हल होगा, ये मसला उसी वक्त हल होगा जब आप क्रॉनिक कैरियर को क्रॉनिक हेपेटाइटिस को मदर का जो है उसको आइडेंटिफाई करें प्रेगनेंसी में, और फिर उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, और वो स्ट्रेटजीज ये होती हैं कि आप थर्ड ट्रेमेस्टर में उसको कुछ एंटीवायरल थेरेपीज दे दें। इंटरफेरॉन तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, रेमडेसिविर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, वो आप राइबावरीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, लेकिन ये है कि ये जो एंटीवायरल थेरेपीज होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि अभी भी दी जा सकती हैं, जैसे टिनोफोवर है, लेमिव्यूडीन है, ये वो है, लेमिव्यूडीन का मसला ये है कि उसमें रेजिस्टेंस जल्दी डेवलप हो जाती है, सो टिनोफोवर इज बीइंग गिवन, ट्रायल्स उसकी हो चुकी हुई हैं, वो दी जाती है अब फ्रॉम 28 to 32 weeks। तो उसमें जो है वो फिर हम 28 से 32 वीक्स तक उसको देते हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आपने हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कर लिया, वो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वायरस रेप्लिकेट कर रहा है मदर के ब्लड के अंदर। अब इसमें जो डिफरेंट एंटीजन एंटीबॉडीज हैं उनकी इंटरप्रिटेशन भी एक टास्क होता है, कि बाद दफा हम जैसे ई एंटीजन कर रहे होते हैं, हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कर रहे होते हैं, इनकी एंटीबॉडीज हम टेस्ट कर रहे होते हैं, तो हर एक की इंटरप्रिटेशन क्या है। एंटीजन का मतलब है वायरस, अगर एक सरफेस एंटीजन आ गया पॉजिटिव आ गया इसका मतलब है वायरस अभी अंदर है, इसका मतलब ये है कि एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्योंकि एक्सपोजर के बाद हो या अगर फर्ज किया क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो भी उसमें सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होगा। अब सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होने का मतलब है वायरस, लेकिन वायरस कितना को है, डिटेक्टेबल अमाउंट्स में है या नहीं है, यानी सिग्निफिकेंट अमाउंट में है या नहीं है, क्योंकि जो एक तो आप चीज होती है कि आपने वायरस को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो होती है उसकी क्वांटिफिकेशन, यानी आपने ये देखना होता है कि वायरस लोड कितना है। वायरस लोड जो है ना वो एक बेसिकली आपका वो बेसिक टेस्ट होता है जिससे आपको पता चलता है कि इसमें इन्फेक्ट करने का बच्चे को कितने चांसेस है, यानी अगर वायरस बहुत ज्यादा मिकदार में होगा, वायरस लोड बहुत ज्यादा होगा तो डेफिनेटली मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन बढ़ जाती है, यानी ये फिर अगर आम पेशेंट में 10 to 20% है तो ये 90% तक चली जाएगी, अगर वायरस लोड 200,000 से ऊपर चला जाएगा तो इसी वजह से हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ गया उसके बाद दूसरा टेस्ट ये है कि हम वायरस लोड को आइडेंटिफाई करें बाय PCR, क्वांटिटेटिव PCR। अब अगर फर्ज किया आपके PCR हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता, उसका दूसरा हल ये है कि हम हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन करवाएं। ई एंटीजन वो होता है जो कि इन्फेक्टिविटी को इंडिकेट करता है, यानी ये कितना को पेशेंट बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है, ना सिर्फ बच्चे को बल्कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन भी दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है, तो उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है।
और ये जब भी वायरस लोड ज्यादा होगा इनडायरेक्टली हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन जो है वो पॉजिटिव होता है. तो ये बेसिकली एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे होते हैं. यानी अगर किसी जगह पे हम वायरस लोड नहीं करा सकते, पीसीआर टेस्टिंग नहीं हो रही, क्वांटिटेटिव नहीं हो रही, या बार दफा बड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो फिर हम एचबीई एंटीजन करवाते हैं. अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब है पेरीनेटल ट्रांसमिशन 90% तक, बार दफा 100% केसेस तक हो जाती है. तो ये वो पेशेंट होते हैं जो कैंडिडेट होते हैं फॉर दैट एंटीवायरल थेरेपी जो के हमने देनी है पेरीनेटल ट्रांसमिशन को कम करने के लिए. यानी जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है उसको कम करने के लिए फ्रॉम 100% टू लेस देन 0.1%. क्योंकि ये वो स्ट्रेटजी है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है. और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं कि हम मदर को इंट्रा यूट्राइन 28 से 32 वीक में हम दे देंगे कोर्स तो बस बाकी कुछ नहीं होगा, फिर भी हमने इस बच्चे को प्रोफाइलेक्सिस देना ही देना है. यानी ये जो बच्चा होगा विद इन 12 आवर्स ऑफ बर्थ हम इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाएंगे, विद इन 7 डेज हम उसको पहली डोज भी लगा देंगे जो कि इसकी जो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन की हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीनेशन है वो. फिर उसके बाद हम उसको 1 to 6 मंथ्स पे अकॉर्डिंग टू एज पर प्रोटोकॉल हम उसको फिर देते हैं. एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन हम दोनों दे रहे होते हैं. तो इस वजह से ये जो चीज है कि अब इसमें WHO की रिकमेंडेशन है कि इसमें आप ये करें और आपने इसी तरह से इसको बताना भी होगा. अब उसमें दूसरी चीज ये है कि इसमें जो बाकी प्रिवेंशन, अब इसमें ये है कि अगर फर्ज किया ये HBE एंटीजन भी नेगेटिव है और अगर ये नेगेटिव आ गया तो फिर आप इसका मतलब है वायरस लोड भी इतना नहीं है, फिर उसमें जरूरत नहीं होती उस एंटीवायरल थेरेपी देने की. बट स्टिल जो नियोनेटल प्रोफाइलेक्सिस है वो आपने देना ही देना है. यानी पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन दोनों, वो दोनों आपने देनी होती है. और इसके अलावा जो है वो आपने इसमें ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं करनी होती, लेकिन चूंकि आपने लिवर फंक्शन सारे देखने होते हैं, अल्ट्रासाउंड आपने करवाना होता है, उसमें को एग्जिस्टेंस विद अदर इन्फेक्शन कैन बी देयर. यानी बाकी जो वायरस हैं वो भी हेपेटाइटिस वायरस जो हैं वो आप उसको भी स्क्रीन करते हो, बिकॉज समटाइम्स हेपेटाइटिस बी वायरस कैन को एग्जिस्ट विद HIV. आप रूटीन की स्क्रीनिंग में हमेशा रखें, जो जहां पे वायरल स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं वहां पे HIV को जरूर रखें अपने हर केस में. तो HIV को भी हमने स्क्रीन कर लिया, फिर उसमें हेपेटाइटिस बी सी, तो हेपेटाइटिस सी वायरस जो है उसको भी आपने रूटीन की स्क्रीनिंग में ही रखना है, वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे होते हैं. लेकिन उसके अलावा जो क्रॉनिक कैरियर्स होते हैं उनमें बाकी STDs, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं ये सब की सब, ये हेपेटाइटिस बी भी सी भी ये सारी जो है, और HIV भी डेफिनेटली. तो उसमें फिर आप सिफिलिस, और सिफिलिस हमारी कंट्री में इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन क्लैमिडिया कॉमन हो सकता है, लेकिन वो क्लैमिडिया और उसको भी उसकी गाइडलाइंस में है कि आप उसको भी स्क्रीन जरूर करें उनके साथ साथ. यानी सारी STDs की फिर स्क्रीनिंग इसमें हो जाएगी. तो बेसिकली इसमें जो मेन चीज है वो यही है कि आप HBE एंटीजन करवाएं और उसके बाद उसको एंटीवायरल थेरेपी दें और बच्चे की इम्यूनाइजेशन करें. ब्रेस्ट फीडिंग किसी में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती सिवाय हेपेटाइटिस सी के उन केसेस में जहां पे क्रैक निपल्स होते हैं या जहां पे कोई ऐसा स्किन का प्रॉब्लम हो या कोई वो उस तरह से कट वगैरह हो, वहां पे आप उसको अवॉइड करते हैं. अदरवाइज आप उसमें कॉन्ट्राइंडिकेट किसी भी केस में नहीं करते. तो अब ये तो हो गया हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का जो मेन उसमें पॉइंट बताने वाला है. बाकी जो प्रिकॉशन, जो हाइजीन प्रिकॉशंस हैं, आपने जो कम्युनिटी प्रिकॉशंस हैं, वो सारी की सारी आपने करनी ही है. तो उसके बाद जो हेपेटाइटिस सी वायरस जो नेक्स्ट कॉमन है, उसमें जो ट्रांसमिशन है वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, वो अमूमन अगर खाली आइसोलेटेड हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है तो उसमें 5% तक होती है, इसमें कम होती है, ज्यादा नहीं होती. लेकिन अगर ये को एग्जिस्ट करे विद HIV तो ये 25% तक ट्रांसमिशन बढ़ जाती है. तो इसी वजह से वहां पे फिर आपने इसको आप एंटीवायरल नहीं, आप इसमें इंटरफेरॉन नहीं दे सकते, आप इसमें राइबावरीन नहीं दे सकते, ये स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. इंटरफेरॉन अगर ये एक्चुअली डायरेक्टली एंटीवायरल नहीं है, लेकिन ये इन कॉम्बिनेशन विद एंटीवायरल दी जाती है,
क्योंकि इंटरफेरॉन बेसिकली वो चीज है जो सेल खुद बना रही होती है वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो सेल खुद बना रहा होता है, एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो होता है उसके जो अपने केमिकल्स होते हैं वो इंटरफेरॉन कहलाते हैं, जो कि डिफरेंट बनते हैं, फाइब्रोब्लास्ट से बनते हैं, लिम्फोसाइट से बनते हैं, ल्यूकोसाइट से बना रहा होता है। तो ये ह्यूमन डिराइव्ड बेसिकली होती हैं, ये वैक्सीन होती हैं। तो इसको ये हम नहीं देते, लेकिन अब कुछ डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल्स ऐसी हैं जो कि अंडर स्टडी हैं कि इनको हम दे सकते हैं, उनकी सेफ्टी अगरचे अभी तक ऐसी कोई कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी नहीं डिटरमिन हुई, लेकिन स्टिल इट नीड्स रिसर्च एंड उसको प्रैक्टिस में आने के लिए थोड़ा सा और स्टडीज की जरूरत है। लेकिन डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल्स हैं जो कि DAA जिनको हम कहते हैं, जो कि हम इसमें यूज कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज देर इज नो वैक्सीन, देर इज नो अदर ट्रीटमेंट आउट ऑफ प्रेगनेंसी। फिर आप उसको एंटीवायरल और इंटरफेरॉन के साथ ट्रीट कर सकते हैं। अब जहां तक जो तीसरी चीज है इसमें, अच्छा इसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग का वो मैंने बता दिया वो सारी चीजें। अब अगर इसमें बहुत स्लो ग्रोइंग ये होता है, तो इसमें जो बाकी वायरल जो LFTs हैं या लिवर स्कैन है, ये सब चीजें आपने साथ के साथ करनी होती हैं। अब तीसरी चीज जो एक इम्पॉर्टेंट आ जाती है, जो कभी आ भी सकती है डॉग्स में, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कभी कभी, जो आउटब्रेक्स होते हैं हेपेटाइटिस ई वायरस के भी, अगेन जो अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है या अनकुक्ड मीट है या उसकी वजह से, हेपेटाइटिस ई वायरस एक वो चीज है जिसका एक डिफरेंट कोर्स है इन द प्रेगनेंसी, क्योंकि ये वो वाली चीज है अलॉन्ग विद द हेल्प सिंड्रोम एंड एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी के, जिसमें प्रेगनेंसी अफेक्ट करती है कोर्स ऑफ डिजीज को, और ये प्रेगनेंसी अफेक्ट करेगी डेफिनेटली उसमें, इस वजह से करती है कि इसका जो हार्मोनल जो बेसिकली एनवायरमेंट होता है वो इसको इसकी प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा करता है। और दूसरी जो चीज इसकी प्रोग्रेशन में एक फैक्टर होती है वो है इसका जीनोटाइप भी। अब इसमें डिफरेंट जीनोटाइप्स होते हैं, कंट्री वाइज डिफरेंट जीनोटाइप्स होते हैं, उसी तरह से हेपेटाइटिस बी और सी के भी जीनोटाइप्स होते हैं। एशिया में कुछ डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं, अफ्रीका में कुछ और हैं, अमेरिका में कुछ और हैं। एनीवे जो हमारा इधर जो जीनोटाइप है वो एक फल्मिनेंट कोर्स रखता है, क्योंकि सबसे पहले जो इसका फल्मिनेंट हुआ था वो कश्मीर में हुआ था जिसमें हजारों लोग मर गए थे, तो इसी वजह से ये जीनोटाइप हमारा यहाँ का फर्क है, ज्यादा फल्मिनेंट कोर्स इसमें हो सकता है। तो इसमें जो है ये सारी चीजें, प्रेगनेंसी का एक अपना कोर्स है। अब इसमें कभी कभी अगर ऐसी डिफरेंट जीनोटाइप हो और वेरी अर्ली इन द प्रेगनेंसी, मे बी ये वुमन ये अगर आउट ऑफ प्रेगनेंसी हो तो माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में हो तो ये फल्मिनेंट हेपेटाइटिस की तरफ बड़ी तेजी से जाता है। यही वजह है कि इसमें 20% तक मेटरनल मोर्टेलिटी रिकॉर्ड पे है, और इसमें तकरीबन 30-40% तक फीटल मोर्टेलिटी, इन्फेंट जो नियोनेटल मोर्टेलिटी है वो उसमें इतनी हो जाती है। यही वजह है कि ज्यादातर केसेस में हम इसको कंजर्वेटिवली मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें बहुत रैपिडली जो है वो लिवर फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा होता है। सो द ट्रीटमेंट इन दैट केस वुड बी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ज्यादातर केसेस में हमें इसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी पड़ती है। अब जहां तक वैक्सीनेशन है वो हेपेटाइटिस ए वायरस की भी वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस ई वायरस की वैक्सीनेशन नहीं है। इसमें वैक्सीनेशन एक चाइना ने बनाई तो है, लेकिन उसको FDA ने अभी अप्रूव नहीं किया, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट वही होगी, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जो कि हम आम लिवर प्रॉब्लम्स में, क्योंकि इसका एक एक्यूट कोर्स है उसमें हमें सपोर्टिव थेरेपी देनी पड़ती है, और जब भी हम सपोर्टिव थेरेपी देते हैं तो उसमें कुछ लिवर एंजाइम से रिलेटेड सपोर्टिव थेरेपी होती है, हाइड्रेशन लेवल हमने बहुत ठीक रखना होता है, हाइपोग्लाइसीमिक अटैक्स को बचाना होता है, और बाकी सिम्टम्स के मुताबिक फीवर है तो फीवर को करें, पेन है तो पेन की मैनेजमेंट करें, अगर जो उसमें पेन किलर और ड्रग्स का भी फिर रोल आ जाता है, ड्रग टॉक्सिसिटी का भी, तो व्हेन लिवर इज अफेक्टेड इन एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स तो वहां पे फिर हम ड्रग्स की लिमिटेशन जरूर कर लेते हैं। तो इसलिए हेपेटाइटिस ई वायरस का भी इसमें थोड़ा सा ये डाउट होता है कि शायद ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि इसमें मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होती है, तो 50% तक मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होती है, यही वजह है कि बच्चा इफेक्ट हो जाता है। इसी वजह से कुछ थोड़ा सा इसमें ये भी डाउट पाया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग भी इसमें एक रोल हो सकती है, अगर हम फर्ज किया हम जल्दी निकाल लेते हैं बच्चा एंड बेबी इज अलाइव, अमूमन इसका थर्ड ट्रेमेस्टर में बहुत ज्यादा फल्मिनेंट कोर्स होता है,
तो उस सूरत में फीडिंग करवाएं या ना करवाएं, तो फीडिंग का थोड़ा सा इसमें होता है कि ये भी सिक्रेशन के थ्रू इसका वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, तो वहां पे इंडिविजुअलाइज हम इसको कर सकते हैं। अब जहां तक मेरा ख्याल है कि हमने सारे ही जो इम्पोर्टेंट वाले यही बेसिकली हैं, लेकिन कभी कभी हेपेटाइटिस ए वायरस भी जो है वो आ सकता है, जो कि बेसिकली सीजनल होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिसमें ये फर्मनेंट कोर्स में भी लेके जाता है, लेकिन बहुत रेयर एज कम्पेयर टू HIV, उसमें जो हेपेटाइटिस ए है ये बहुत कम केसेस में जरा लंबा चलता है और उसमें जो है वो कम केसेस में ही इसका फल्मिनेंट कोर्स होता है। तो एनीवे उसमें चूंकि ये प्रेगनेंसी उसको इफेक्ट नहीं कर रही होती, प्रेगनेंसी ना उसको इफेक्ट करती है और ना ही ये प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है, ये जो हेपेटाइटिस ए है, जबकि हेपेटाइटिस ई डेफिनेटली उसको करता है। जबकि बाकी भी जो चीजें हैं उसमें हेपेटाइटिस बी में जो प्रेगनेंसी है वो इफेक्ट हुई हेपेटाइटिस बी से, उसमें मेटर्नल जो बेसिकली जो नियोनेटल आउटकम है वो डेफिनेटली इफेक्ट होता है। अब जहां तक जो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात है, जितना अर्ली इन लाइफ ट्रांसमिशन होती है उतना ही क्रॉनिक हेपेटाइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी अगर मदर से बच्चे ने लिया हेपेटाइटिस बी में तो 90% क्रॉनिक कैरियर बन जाएंगे। अगर ये चाइल्ड हुड में यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन से तो वो तकरीबन 10-20% क्रॉनिक कैरियर बन जाएंगे, लेकिन अगर ये एडल्ट्स में आके होता है तो उसमें तकरीबन 1% तक क्रॉनिक कैरियर बन जाती हैं, क्योंकि लेकिन ये डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम पे भी, क्योंकि जहां पे इम्यूनोसप्रेसिव्स होते हैं इम्यूनोसप्रेसिव्स का फिर एक अपना रोल आ जाता है, तो वहां पे जो है वो फिर उसमें ज्यादा फ्लेयर अप होने के चांसेस होते हैं। अब ये थोड़ी सी एक और चीज जो हमने हेपेटाइटिस बी में डिस्कस की थी वो ये कि हमने इसको एंटीवायरल जो टिनोफोवर जो हमने लिया ये टेबलेट्स फॉर्म में होते हैं, ये जितनी एंटीवायरल हैं जो लेमिडिविन है या राइबावरीन है ये सारी टेबलेट फॉर्म में ही होती हैं, और ये बाकी ये जो इंटरफेरोन है वो तो हमेशा इंजेक्शन फॉर्म में होती हैं। ये जब हम देते हैं तो इसको हम बेसिकली टू रिड्यूस द मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन वो हम देते हैं फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए देते हैं, यानी हमने 28 से 32 वीक्स तक दिया, बट समटाइम्स वी हैव टू इंडिविजुअलाइज द केस, यानी अगर पेशेंट के सिम्टम्स या उसके LFTs डिस्टर्ब या उसका वायरीमिया परसिस्ट कर रहा है या ई एंटीजन परसिस्ट कर रहा है तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी हो सकता है, विच विल कंटिन्यू आफ्टर द बर्थ प्रोसेस इवन, ये लॉन्ग टर्म यूज होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम थोड़ा सप्रेस तो उसको कर देते हैं एंटीवायरल दे के, लेकिन इसका फ्लेयर अप हो जाता है आफ्टर द बर्थ, और ये जो बाकी हेपेटाइटिस सी वायरस में इसमें बर्थ के बाद अमूमन 10% में स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन भी हो जाती है, और उसकी वजह अमूमन ये होती है सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम इन प्रेगनेंसी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, लेकिन ये आप कभी भी आप इन आइसोलेशन ये चीजें मैनेज नहीं कर रहे होते हो, ये हमेशा आपकी होती हैं इन कोलैबोरेशन विद द हेपेटोलॉजिस्ट, लेकिन जो ब्रॉड से प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए वो तकरीबन यही हैं, जैसे पेरीनेटल ट्रांसमिशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो यू मस्ट नो कि किन कंडीशन में हमने देना है किसमें नहीं देना और बच्चे का प्रोफाइलैक्सिस क्या है। सो व्हेन एवर द पेशेंट इज सरफेस एंटीजन पॉजिटिव, ई पॉजिटिव हो या ना हो, बच्चे को आपने प्रोफाइलैक्सिस पूरे का पूरा देना ही देना, एंड यू मस्ट इन्फॉर्म द पीडियाट्रिशियन बिफोर हैंड, क्योंकि वो फिर उसके हिसाब से उसकी मैनेजमेंट करेंगे, विद इन 12 आवर्स फिर उसको दे देना होता है। तो अब मेरा ख्याल है ये जो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस हैं वो तो हमने काफी हद तक इसमें कवर कर लिए हैं। इससे रिलेटेड वायरल हेपेटाइटिस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन तो नहीं है जी? हाँ जी, सुनने वाले सुन रहे हैं कि सो गए हैं सब? जी बेटा कोई किसी का सुन रहे जी? हेलो, अब एक बंदा बोले फिर समझ आएगी जी। बेटा कोई क्वेश्चन? मैडम सारा सुना है लेकिन ये काफी टफ है, थोड़ा मेडिसिन से रिलेटेड है ना, हमारी फील्ड से थोड़ा आउट हो जाता है। हाँ थोड़ा सा आउट हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली वी आर द प्राइमरी फिजिशियन टू डील विद दीस थिंग्स, हम प्राइमरी फिजिशियंस होते हैं, जैसे कार्डियक पेशेंट है हमारा कार्डियोलॉजिस्ट का काम होता है, बट स्टिल वी हैव टू डील विद इट, ठीक है ना। इसलिए हमें ये
थोड़ा सा ये चीजें पता होनी चाहिए। अब फर्ज किया हम किसी ऐसी पेरिफ्री में बैठे हुए हैं और हम पेशेंट के ये करवाते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, अब हमने उसको कहाँ रेफर करना है या प्राइमरीली हमने क्या करना है, उसको क्या बताना है, बच्चे से रिलेटेड क्या चीजें हैं, वो पूछे कि फीडिंग का, वो पूछे कि कॉन्ट्रासेप्शन का, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के जो मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी है वो डेफिनेटली हमारे डोमेन में आते हैं, और ये तो अब हमारी कंट्री में ये वायरल हेपेटाइटिस खासतौर पर ये जो बी सी वाले हैं ये तो अब इतने अनकॉमन नहीं रहे, तो लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी एम्बिगुइटीज अभी भी पाई जाती हैं, हम टेस्टों को इंटरप्रेट सही नहीं करते। अब इसमें जो बेसिकली बार दफा ऐसे भी होता है कि पेशेंट कहता है कि एक्सपोजर उसका हुआ है या उनके घर में कोई ऐसा हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है या कोई भी फैमिली मेंबर है हु इज अफेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन, उसका एक्सपोजर है। लेकिन जब हम उसको खुद टेस्ट करते हैं या फर्ज किया उसका हस्बैंड ही उसका हेपेटाइटिस बी कैरियर है, अब जब हम उसको टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के लिए तो वो नेगेटिव आ जाता है, विल यू रीअश्योर द पेशेंट दैट एवरीथिंग इज ओके? हाँ जी, क्या हम पेशेंट को ये तसल्ली दे सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, उसका हस्बैंड भी पॉजिटिव है? नहीं, फिर हम क्या उसको कहेंगे? इज देयर एनी अदर वे टू चेक फॉर द पॉजिटिव एक्सपोजर? या हस्बैंड को छोड़ के कोई भी और एक ऐसा फैमिली मेंबर है जिसका उसका कुछ दिनों का एक्सपोजर रहा, और अगर इससे भी आप मजीद करें कि एक नीडल प्रिक हो गया, ये तो सर्जरी तो सभी करते हैं ना, तो फर्ज किया हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट था, उसके साथ सर्जरी करते हुए या सेक्शन करते हुए नीडल प्रिक हो गया, और आपने जब करवाया आप उसमें क्या करते हो जब नीडल प्रिक हो जाता है तो क्या करते हो? ये हो सकता है सिनेरियो आ भी जाए, ऐसा इस तरह से हो भी सकता है कि नीडल प्रिक हो जाए, आपको नीडल प्रिक हो जाता है फिर आप क्या करते हैं? मैडम रनिंग वाटर से अच्छी तरह से वॉश करके और प्रेस करके जितना ब्लड निकल सकता है, वैसे प्रेसिंग को न्यू गाइडलाइंस कहते हैं। ये तो है जो इंस्टेंट मेजर्स हैं, ये हैं जो इंस्टेंट मेजर्स हैं, उसके बाद क्या आप करते हैं? उसके बाद मैडम आई थिंक इसका ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता है 6 महीने का, जिसके बाद लेबोरेटरी में जाके स्क्रीनिंग करवानी होती है। आप अपना टेस्ट कब करवाएंगे? कोई कुलीग ही है वो आपसे आके पूछता है या आपका कोई और है जो आपसे आके पूछता है तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, आप इसका आपने एक तो इंस्टेंट मेजर कर ली वो सारी आई एग्री विद, लेकिन आपने इसका पहला टेस्ट कब और कौन सा करवाना है? बेटा एक मिनट में फोन सुन लू जरा। हेलो, हाँ जी, हाँ मैं भी नीचे आती हूँ तो देख लेती हूँ, ठीक है मैं, हाँ मैं फिर आके देख आती हूँ। हाँ जी, तो आप कौन सा टेस्ट कब और किस वक्त कौन सा टेस्ट कब करवाओगे, मेरा सवाल ये है। डॉक्टर एक तो हम बेसलाइन टेस्टिंग अभी करेंगे और उसके बाद जो बेसलाइन में कौन सा टेस्ट, मैं एक टेस्ट की बात कर रही हूँ कि बेसलाइन टेस्ट कौन सा? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन आ गया और वो आपने कब करवाना है, आज प्री हुआ कब करवाओगे? 6 वीक्स पे नहीं करवाते? नहीं, अगर आप पहला टेस्ट करवाओगे 48 आवर्स के अंदर वो और वो होगा हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। वाई इतनी जल्दी अमूमन सरफेस एंटीजन डिटेक्ट तो नहीं होता, तो हम ये क्यों करवाएंगे? उसका प्रीवियस देखिए, ऐसा तो नहीं कि पहले से ही आपके अंदर हो, ठीक है, ये एंटीसीडेंट इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा, यानी इसका मतलब ये है, ये इसमें कुछ फिर लीगल चीजें भी आ जाती हैं कि आपको इस इन्फेक्शन कैच कर लिया आपने अस्पताल से, या फर्ज किया मरीज ही कहता है कि सर्जरी के बाद मुझे ये हो गया, ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन ये है कि सरफेस एंटीजन आपने करवाया विद इन 48 आवर्स, ये मैं एक डॉक्टर की बात कर रही हूँ जिसको नीडल प्रिक हुआ होगा और वो अपना इंस्टेंट मेजर के बाद वो अपना करवाएगी टेस्ट 48 आवर्स के अंदर सरफेस एंटीजन। अब सरफेस एंटीजन आ जाता है, अगर पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब है वो पहले से उसके अंदर मौजूद है, इतनी जल्दी एक्सपोजर के बाद नहीं होता। अगर सरफेस एंटीजन आ जाता है नेगेटिव तो फिर हम क्या करेंगे? मैडम अगर हमारा अपना एंटीसीडेंट इंफेक्शन पॉजिटिव
जी जो हम दोबारा रिपीट करेंगे कब करवाएंगे आप रिपीट कब करवाएंगे आफ्टर थ्री मंथ नहीं फिर आप देखो इसको 6 वीक्स के बाद करवाओगे लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमें पता चल जाए पहले पहले पता चल जाए कि इसमें ये हमने इन्फेक्शन कैच कर लिया वो होता है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन जो विद इन 1 वीक पॉजिटिव आ जाता है और ये सबसे पहले पॉजिटिव आता है ये सबसे पहले पॉजिटिव आता है सॉरी एंटीजन नहीं एंटीबॉडीज होती हैं ये सबसे पहले विद इन 1 वीक ये विद इन 1 वीक भी पॉजिटिव आ जाता है ये सरफेस एंटीजन से पहले पॉजिटिव आ जाता है ये जो कोर एंटीबॉडीज हैं ये सबसे पहले पॉजिटिव आ जाएंगी और ये बिल्कुल अर्लीस्ट मार्कर होगा उसके बाद जो पहले हम अमूमन कोर एंटीजन नहीं करवा रहे होते सॉरी एंटीजन नहीं एंटीबॉडीज ठीक है एंटीबॉडीज का मतलब है कि अगेंस्ट एंटीजन एंटीबॉडीज बॉडी ने बनाना शुरू कर दी और वो कोर एंटीजन के अगेंस्ट सबसे पहले बनती हैं जो सरफेस एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज कुछ महीनों के बाद बनना शुरू होती हैं तो एंटीबॉडीज जब आ जाती हैं पॉजिटिव एंटीजन तो डिटेक्ट हो जाएगा ये भी तकरीबन 3-4 वीक्स में पता चल जाता होता है अमूमन इसका सरफेस एंटीजन का लेकिन एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोर एंटीजन पहले बनेंगी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बाद में बनेंगी और जब एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ जाती हैं इसका मतलब है वायरस क्लियर होना शुरू हो गया बॉडी से और जब ई एंटीजन हैं तो इसका मतलब है कि अभी मौजूदा इन्फेक्शन या रिसेंट इन्फेक्शन या इसमें रीएक्टिवेशन ये दोनों चीजों में हो सकता है एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में हो सकता है इसी तरह सरफेस एंटीजन भी एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में हो सकता है तो ये एक्यूट और क्रॉनिक में डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता ऑन दीज एंटीजन और एंटीबॉडीज अलोन अलबत्ता जब एंटीबॉडीज हम डिटेक्ट कर लेते हैं यानी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिए इसका मतलब ये है कि अब एंटीबॉडीज बन गई हैं तो इम्यून सिस्टम हमारा एक्ट करना शुरू हो गया वायरस क्लियर करना शुरू हो जाएगा समटाइम्स वायरस क्लियरेंस एंड द वायरस रेप्लिकेशन गो साइड बाय साइड such as in the cases of hepatitis C virus. Hepatitis C virus जब होता है तो उसमें antigen antibodies दोनों coexist कर रही होती हैं और क्योंकि ये chronic infection होता है ये वहां पे होता है जहां पे spontaneous clearance नहीं हो रही होती या immune system somehow is compromised. या patient कभी अगर लंबी जो है वो steroid therapy पे भी होता है तो उसमें भी immune system इसी तरह से knockdown हो जाता है ठीक है तो इसमें अब मेरा ख्याल है क्या अब चीजें क्या रह गई हैं जो हमने कवर करनी है मेरा ख्याल है हमने लिवर डिसऑर्डर को तो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कवर कर ही लिया ठीक है और आज हमारी जी मेरा हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि फाइब्रॉइड डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीड पॉलीप हर तरह से हमें ठीक है चलें वो फिर हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे ठीक है ठीक है वो अब अगला तो ईद का मेरा ख्याल है वीक होगा तो उसमें तो नहीं होगी क्लास लेकिन उसके बाद फिर जो वीक होगा उसमें HMB फाइब्रॉइड की सारी चीजें फिर हम देख लेंगे ठीक है चलें जी यहाँ पे फिर हम खत्म करते हैं क्योंकि काफी लंबी हमारी क्लास हो गई आज मैम क्लिनिकल इंसिडेंट रिपोर्ट भी करवा दे ये वैसे हमने किया तो हुआ क्लिनिकल इंसिडेंट रिपोर्ट चलो ठीक है दोबारा कर लेंगे ठीक ओके जज़ाकअल्लाह थैंक यू मैम अल्लाह हाफिज़